अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अहले वतन को सिटी ट्रैफिक लीग की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। तमाम वालदैन से गुजारिश है कि जिनके बच्चे कम उम्र हैं वो मोटरसाइकिलें लेके बाहर निकलते हैं, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें दे के बाहर ना निकालें। अगर कोई वालदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे के बाहर रोड के ऊपर भेजते हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं, उसके बाद हादसा होते हैं, लिहाजा उन वालदैन से गुजारिश है कि जिनके बच्चे कम उम्र है उनको मोटरसाइकिलें ना दें। और अगर कोई वालदैन इस वन व्हीलिंग के दौरान कोई किसी का बच्चा पकड़ा गया या कोई हादसे में हादसा हो गया तो उसके बाद उनका बच्चा पकड़ा गया तो उनके वालदैन के ऊपर भी FIR दी जाएगी। और उसके बाद ये कैमरे पूरे लाहौर में कैमरे भी लगे हुए हैं, वो कैमरा मीटिंग भी कर रहे हैं, उनके वालदैन के ऊपर भी FIR दी जाएगी। और ये जो दुकानदार हैं जो अल्टरनेट करके मोटरसाइकिलें आगे मुहैया करते हैं, अगर कोई दुकानदार पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा जश्न आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाएं, अपने बड़ों की कुर्बानियों को ना भूलें और अपने बच्चों को जश्न आज़ादी के हवाले से ये सब बातें बताएं कि उनके बड़ों ने किस तरह पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। लिहाजा घर में रह के नवाफल अदा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें एक वतन अता किया, हम उस वतन की कुर्बानियों को ना भूलें। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घर में रहते हुए अपने वालदैन की बात माने और हमारा भी साथ दें जो रोड के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। लिहाजा आप खुद भी महफूज रखें और हमारी भी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।